हेलो वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिससे इससे हमें क्या फायदा होगा। एक अगर हम कई सारे रिएक्शन कन्वर्ट करना जान जाएंगे तो सही कई सारे नेमिंग रिएक्शन हमें याद हो जाएंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप पता चल जाएगा। इसमें मैंने पूरे ऑर्गेनिक को कम्प्लीट रखा है और आप इसे ध्यान से देखिए इसमें मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ, आप भी कोशिश करिए ट्राई करने को। तो देखो मैंने ए क्या किया है, एस्टरीन, एस्टरीन के ऊपर हार्ट आयरन ट्यूब करते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एरोमेटाइजेशन है। अगर एस्टीन का हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर हम एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं तो बेंजीन बनता है। तो हाँ यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ऐसे मैंने यम तक लिखा है, जिसमें मतलब कि आपको रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए ए क्या बनता है, तो मैं मिटा के करके बनाते चल रहा हूँ। तो ए देखिए क्या बनता है, जब स्टीन का एरोमेटाइजेशन करते हैं तो बेंजीन बनता है। उसी प्रकार इसमें क्या किया, एस्टीन है, एक कार्बोनाट लगा दिया है, मतलब प्रोपाइल बना दिया है। तो इसमें देखिए क्या बनता है, बेंजीन तो बनेगा क्योंकि देखो स्टीन के एरोमेटाइजेशन से क्या बनता है, बेंजीन तो बनेगा ही। एक CH3 है तो एरोमेटाइजेशन से क्या होता है, तीन सब्स्टिट्यूटेड मेथिल ग्रुप आ जाते हैं। इसका कॉमन नेम है मेसिथिलीन, और इसका बेंजीन है। अब आगे क्या किया गया है, बेंजीन के रिएक्शन एथिल क्लोराइड मतलब मेथिल क्लोराइड और CH3 कराया गया है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, आप देखिए ध्यान से, ये एल्काइनेशन दिख रहा होगा। एल्काइनेशन में क्या होता है, कोई हाइड्रोकार्बन होता है उसकी रिएक्शन हम हेलाइड से CH3 ऊपर थ्री करवाते हैं। तो मतलब बी क्या बनने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा, बी बनने वाला है टर्मिन। कैसे बनता है, देखिए ये एक सिंगल रोड ले जाएगा या प्लस आ जाएगा, प्लस आ इसका टेक, देखिए बन गया टर्मिन। अब क्या गया है, ये हमारा हो गया बी, और बेंजीन हमारा था ए, और मेसिथिलीन हमारा था एक्स। अब बी में क्या किया गया है, बी का यहाँ पर K2Cr2O7 से रिएक्शन में हिट किया है। K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्किल ग्रुप को भी मालूम है, यहाँ सी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, CH3 को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए एसिड बन गया। अभी मान लो यहाँ पर एथिल लगा, जैसे मेथिल लगाया हूँ, अगर जैसे CH2CH3 दे देता, एथिल दे देता, तब भी एसिड यही बनेगा। अगर यहाँ प्रोपिल से देता तब भी एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि K2 और CR2 से एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब अगला क्या किया गया है, मान यहाँ CH3 था, अब क्या किया गया, बी से जो बी बना है यहाँ क्या हो गया, बना सी, ठीक। अब क्या करना है, बी से जो डी बना है यहाँ लिखे क्रोमिल क्लोराइड और CH2। अगर आपको नेम रिएक्शन वाला मेरा आप देखे होगी वीडियो, उसमें मैंने बताया है ये है इटार रिएक्शन बेंजीन बनाने का। आप पिछले दो नियम रिएक्शन है उससे आप रिलेट कर पाएंगे, टॉलिन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, तो इसे इटार रिएक्शन कहते हैं। इटार रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइहाइड बनाते हैं। तो बेंजीन डाइहाइड कैसे बनेंगे, देखिए बन गया बेंजीन डाइहाइड। अब इसमें सी से जो ए कार्बन, सी से जो प्रोडक्ट बनेगा ए बनेगा, ए हमारा क्या था बेंजीन, तो कैसे बनेगा देखो, NaOH और CO ये क्या है, आप मतलब CO2 को रिमूव करते हैं तो क्या बनाया जाएगा, सीधे बन जाएगा बेंजीन, बन गया हमारा ए, इन्होंने कहा था ये बनेगा। अब क्या कहे इन्होंने, ए से ए की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं। तो आप अगर आपको फिर से बताना होगा, आप नियम रिएक्शन देखिए, तो ये है राइमर-टीमर रिएक्शन। राइमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, कोई हाइड्रोकार्बन CCl3 क्लोरोफॉर्म और किसी बेस के प्रति रिएक्शन कराते हैं। तो के क्या बनेगा, यहाँ पर के जो है हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, फिनोल बनेगा, ठीक। अब क्या किए हैं, ये हमारा के हो गया। अब फिनोल से क्या किए हैं, इन्होंने Br2SS में रिएक्शन करवाया है, तो Br2 फिनोल से रिएक्शन करता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये बताते हैं, ये फिनोल का टेस्ट भी है, अगर आप फिनोल चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं फिनोल का टेस्ट के लिए ब्रोमीन रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए ये हो गया फिनोल, इसके ऊपर ट्राई सब्स्टिट्यूटर Br, Br, Br,
ट्राई सब चीजें, ये होता है वाइट पीपीटी, इसीलिए इससे हम क्या करते हैं फिनोल का टेस्ट करते हैं। अगर फिनोल रिएक्शन हम एक्सल पी आर टूज करते हैं तो ट्राई सबसे छोटे पाउडर बनता है, इसे जो व्हाइट कलर का होता है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि येलो हो गया पाउडर। अब डी से क्या कहा है, ध्यान दीजिए वृद्धि हमारा क्या है डेजर्ट है, डी से कहे उन्होंने कौन सा टेस्ट करने हुए इसकी उपस्थिति रिएक्शन करते हैं। तो किसी भी कार्बोनिक कार्बोन कंपाउंड में जिसमें अल्फा एच नहीं होते हैं या फिर अल्फा एच होते हैं, अगर अल्फा एच होते हैं तो वो रिएक्शन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन में, बेंजर रिएक्शन के पास अल्फा एच है नहीं तो जाता है कैनिजाओ रिएक्शन में, क्योंकि बेस यहाँ पर है। कैनिजाओ रिएक्शन क्या होता है, कैनिजाओ रिएक्शन क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका एक बार ऑक्सीडेशन होता है एक बार रिएक्शन होता है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने मैकेनिज्म बताया आप उसमें देख सकते हैं। तो बेंजर रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, यहाँ पर कोई एसिड का साल्ट बन जाएगा और अगर रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई प्राइमरी बेंजाइल एल्कोहल बन रहा, आप सीधे आपको याद होना चाहिए आप रीडिंग में क्या होता है कि नियम रिएक्शन से आपको पूरे मैटर में चलना चाहिए, मैकेनिज्म क्या होता है कैसे होता है सब मैटर में चलना चाहिए तभी आप आर्गेनिक में अच्छा कर पाएंगे। ये कैसे होगा इसीलिए एक ही चीज है प्रैक्टिस करेगा। अब इसमें डी में क्या किए हैं, डी से जो ये बना रहे हैं क्या कर रहे हैं बेंजीन डिहाइड को एसटी के साथ लगाएगा और उसके साथ जो उपस्थिति में रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, ये भी एक नियम रिएक्शन है। ये जो नियम रिएक्शन है इसे कैनिजाओ रिएक्शन कहते हैं, जाओ रिएक्शन कहते हैं, इसे इटार रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम इसे क्या कहते हैं इसे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम एल्काइलेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं राइमर-टीमर रिएक्शन, मैं नाम भी रिएक्शन कर दे रहा हूं राइमर-टीमर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बेंजर डिहाइड्रेट किसी एसटी के साथ और उसके साथ के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका नाम परकिन रिएक्शन है। परकिन इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यह जो बनेगा हमारा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, इसका कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड। तो आप देखते रहिए नियम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन काफी हेल्प करते हैं। अब क्या किया गया है यहां पर डी से इन्होंने ई एफ जी बनाया है, ई के लिए दिया सीयूसीएन एससीएन, एफ के लिए सीयूबीआर एसबीआर सीयूसीएन एससीएन। तो अगर बेंजर डिहाइड्रेट यहाँ पर कॉपर साइनाइड कॉपर क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड और एस सी एन एच बी आर रिएक्शन कराते हैं, इसे क्या रिएक्शन कहते हैं मुझे आगे रोके तो यहाँ पर थोड़ा रिएजेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था, आप रिएजेंट ध्यान थोड़ा गर्व हो गया था। तो देखिए अब डी तक हमारा यहाँ तक काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर हमें कोई नया रिएजेंट दिया है मतलब डायजोनियम साल्ट दिया है, डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन कहा है एक बार सी यू सी एन एस सी एल से कराइए, एक बार सी यू बी आर एच बी आर से कराइए, एक बार सी यू सी एल एस सी एल से कराइए। तो यहाँ पर ई एफ जी दिया है, तो देखिए डायजोनियम साल्ट का अगर कॉपर साल्ट के साथ रिएक्शन होता है उसके साथ कोई तो उसे हम सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं, क्या सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन। देखो इसमें क्या है कि ई एफ जी बनेगा, तो हम बनाते हैं अगर कॉपर डायजोनियम साल्ट अगर कॉपर साइनाइड और एसिड को बदल कराते हैं पाउडर क्या बनता है, सीएल बन जाता है, सीधे पूरा डायजोनियम टू सीएल हट के और यह नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। अब अगर इसी साथ कॉपर ब्रोमाइड साथ कराएंगे तो बेंजीन ब्रोमाइड बन जाएगा, क्लोराइड साथ करवाएंगे तो बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा। ये नियम रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। अब क्या क्या है इसमें जो यहां पर मिला है
इसका रिएक्शन LiLH4 से कराओ, मतलब जो बेंजीन साइड मिला है उसका रिएक्शन LiLH4 से कराओ। LiLH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब याद करें ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, CH2N2 ये साइनाइड को CH2N2 में काउंट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, साइनाइड को एमीन में काउंट कर देता है, वो भी प्राइमरी एमीन में। तो फिर अब क्या किया गया है, कोई प्राइमरी एमीन है उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ किया जाता है, उसे क्या नाम रिएक्शन देते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2ANC। देखिए ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कोई प्राइमरी एमीन है उसका KOH और एक क्लोरोफॉर्म उससे रिएक्शन कराते हैं तो CH2ANC बनता है, आइसोसाइनाइड टाइप प्रोडक्ट बनता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसे एक नेम रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन क्या है, आप ध्यान से देखिए, नेम रिएक्शन बन रहा है कार्बिन एमीन रिएक्शन, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। या टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी एमीन देते हैं, इसका जो स्पिन होता है कभी बैड होता है, इसीलिए हम इसे टेस्ट में यूज करते हैं। तो प्राइमरी एमीन टेस्ट के लिए कार्बिन एमीन टेस्ट करते हैं। अब क्या किया गया, फिर CH2ANC को LiLH4 के साथ रिड्यूस किया गया। इस बार पहली बार जो था CN को रिड्यूस किया गया था, इस बार NC, ध्यान देखिए उल्टा, यहाँ पर CN है, यहाँ पर यह नहीं, यहाँ साइनाइड है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड है। इस बार क्या बनेगा, अगर आइसोसाइनाइड करेंगे CH2 CH3 NaCH3। ये आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट कर देता है LiLH4। इसका कुछ फंक्शन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। LiLH4 जब प्राइमरी जब साइनाइड को रिड्यूस करता है क्या बनता है, आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद कोई हमें सेकेंडरी एमीन मिल रहा है, सेकेंडरी एमीन मिल रहा है, तो उसके साथ एक रिएजेंट दिया गया है टॉलुइन सल्फोनिक क्लोराइड। टॉलुइन सल्फोनिक क्लोराइड क्या होता है, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। आपको अगर आपने एमीन का टेस्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एमीन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसे हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। जो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन जो होते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन जो है टेस्ट देते हैं, पर वो टर्शियरी एमीन केस में क्या होता है, वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास CH होता नहीं है, और यही CH जो होता है इसलिए निकलता है, जब यह रहेगा नहीं CH निकलेगा नहीं और कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, तो टर्शियरी एमीन नहीं देते। इस प्रकार हम प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी एमीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, इसे क्या कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, अब मैं एक बार जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो पहले आप कोई स्प्लीन नहीं, उसका हॉट आयरन ट्यूब की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, जो एरोमेटाइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अब बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और CH3 कराते हैं, जैसे लुईस एसिड है वहाँ पर CH निकाल के यहाँ पर टॉलुइन बना देता है, इसे एल्कालेशन कहते हैं। टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, एसिड से एथेन CO उपस्थिति में कराएंगे तो CO2 निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिर बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करेंगे, इसे राइबेटी में रिएक्शन कहते हैं, इसे फिनोल बनता है। फिर फिनोल की रिएक्शन हम BR2 साथ करते हैं एक्सेस में, तो क्या होता है, ट्राइसब्सटेंस का प्रोडक्ट बनता है जो RTP देता है, या फिनोल का टेस्ट भी है। इसके बाद हम टॉलुइन का क्या नाम, क्रोमिन क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, इटार रिएक्शन, या बेंजाल्डिहाइड बनाने का तरीका है। तो ये हो गया डी। अब फिर से कहा डी का रिएक्शन इन्होंने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज के साथ करवा दिया, ये कर इसमें पास अनफेच नहीं है इसलिए कह रही है, और ये सब हो गया कह रही है। क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, डी का एक बार ST का एनहाइड और इसका सार के साथ रिएक्शन कराया, तो ये जो होता है अनसैचुरेटेड एसिड बनाता है, जिसे हम सिनेमिक एसिड कहते हैं। फिर इन्होंने RSA रिएक्शन किया है डायरेक्ट साथ, इन्होंने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसे साइड मैन रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन साइनाइड बेंजीन ब्रोमाइड बेंजीन क्लोराइड। अब फिर से क्या करते हैं, बेंजीन साइनाइड के जो लिथियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, वो क्या करता है, साइनाइड को CH2CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी एमीन बन जाता है। प्राइमरी एमीन की उन्होंने बेस और क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं, जैसे कार्बिन एमीन टेस्ट करते हैं, आइसोनाइड टेस्ट करते हैं, वो वहां पर जाके आइसोनाइड का प्रोडक्ट बन जाता है। फिर आइसोनाइड टेस्ट कर लिथियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं, फिर सेकेंडरी एमीन बन जाता है, फिर सेकेंडरी एमीन का बेंजीन सल्फोनिक टॉलुइन सल्फोनिक क्लोराइड साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट का हिंसबर्ग रिएक्ट करते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी एमीन का टेस्ट के लिए हम डिटरमिनेशन करते हैं।
जो टर्शियरी एमीन के पास सल्फेट एच होता ही नहीं तो वो रिएक्टेंट नहीं देते। इस प्रकार आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।